गोठे गांव में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय दिव्य ज्योति भवन में नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत नशा निरोधक सामाजिक कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें विशेष अतिथि बॉबी सोनकर न्यायाधीश, डॉक्टर अहमद खान, मनीष जैन, प्रकाश चंद जैन, डॉक्टर कपिल जैन, कृष्णा दुबे, प्रताप सिंह राजपूत, मनीष अंगिरा, वीके मीना बहन सहित बड़ी संख्या में सामाजिक लोगों की उपस्थिति रही। बॉबी सोनकर ने बताया कि नशा एक सामाजिक बुराई है, इससे सभी को बचना चाहिए और यदि किसी को नशे की आदत पड़ गई है तो नशा मुक्त केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। बीके मीना बहन ने नशा मुक्ति के लिए प्रेरित कर कहा कि मन को शक्तिशाली बनाओ, नशे की लत अपने आप छूटेगी। इस अवसर पर उन्होंने राजयोग का अभ्यास कराया। जिसके लिए एक व्यवस्थी हमें बनाना पड़ा या एक व्यवस्थी रूप में से गठन करें, जो यूनाइटेड नेशन है उनके द्वारा 6 दिसंबर 1986 में एक महासभा आयोजित कर एक ऐसा व्यवस्थी स्थापना की गई कि जो नशा को मुक्त, जो व्यक्ति जो नशा करता है उसको उससे मुक्त करने के लिए एक व्यवस्था आयोजित किया गया। और इसी तरह हर साल की तरह 26 जून को और इनका मिश्रण बना के आप इसे पाउच में अपने साथ रखें, तो जब आपका मन तम्बाकू खाने का करे तो आप उस चीज़ को खा लीजिए। लौंग और इलायची और अपने जो भी सौंफ, ये बहुत फायदे करते हैं मुंह और मसूड़े के लिए। इनसे रिलीज, लौंग से जो ऑयल रिलीज होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे मुँह के लिए और उसे आप काफ़ी देर तक चबा भी सकते हैं। इस तरीके से आप छोड़ सकते हैं क्योंकि सबके लिए फायदेमंद होगा। गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।